हार्ड हेलो व्यूअर्स भाई आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है आम आदमी पार्टी दिल्ली की बेहद घटिया हरकत राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने दिल्ली पुलिस को पत्र लिखकर कथित रूप से नाबालिग की तस्वीर ट्विटर पर शेयर करने को लेकर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्डा और आदसी के खिलाफ जांच और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा है आयोग ने आरोप लगाया है कि राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए ये तस्वीरें शेयर की गई पत्र के मुताबिक आयोग ने यह भी पाया है कि नेताओं द्वारा कथित रूप से तस्वीर शेयर करने का उद्देश्य मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई द्वारा जार जारी जांच से ध्यान भटकाना था दोस्तों बता दें कि संजय राउत तो और राघव चड्ढा राज्यसभा सदस्य हैं जबकि आतिशी दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी की के विधायक हैं सिसोदिया ने दो हजार में आबकारी नीति में कथित भ्रष्टाचार के संबंध में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद हाल में मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था सिसोदिया के पास शिक्षा सहित दिल्ली सरकार के 18 विभागों का प्रभार था आयोग ने कहा कि उसे राउत और चड्ढा के सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में शिकायत मिली है जिन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर ऐसी तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें आम आदमी पार्टी नेता एवं राज्य के तत्कालीन शिक्षा मंत्री मनीष सोदिया स्कूलों में नाबालिग बच्चों के साथ दिख रहे हैं दोस्तों आयोग ने कहा कि इस मामले की जांच और आवश्यक कार्रवाई के लिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा गया है जिसकी प्रति दिल्ली के मुख्य सचिव को भेजी गई है आयोग ने दिल्ली पुलिस से किशोर न्याय कानून के तहत उचित कार्रवाई करने को कहा है दोस्तों आतशी के मामले में आयोग ने कहा है कि बच्चों की सहमति के बिना उनकी तस्वीरों को शेयर करने और इनका उपयोग करके अपने व्यक्तिगत एजेंडे को बढ़ाने के वास्ते अपने पद और शक्ति का दुरुपयोग करने के लिए आतशी के खिलाफ एफ दर्ज की जाए इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है कि दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी के गिरफ्तार नेता के समर्थन में सरकारी स्कूलों में आई लम्बनी से सिसोदिया डेस्क स्थापित करने जा रही है हालांकि आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों का खंडन किया है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें ज़्यादा ज्यादा शेयर करें आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू वेरी मच